स्वेटर ले लो, स्वेटर ले लो, रंग बिरंगे स्वेटर ले लो। अरे कोई भी तो स्वेटर नहीं ले रहा, एक काम करती हूँ खड़े होकर के बेचती हूँ। अरे भैया ये देखिए कितनी अच्छी स्वेटर है मेरे पास, बहुत सस्ते दाम में दे रही हूँ, ले लो ना एक स्वेटर। ची ची ची, ये खरीदूंगा, ये मंगल बाजार की स्वेटर, अरे गोना जाके दूसरी ना ले आऊंगा। हट, तू ऐसे नहीं मानेगी। हे भगवान, कैसे लोग हैं, स्वेटर नहीं लेना तो मना भी तो कर सकते हैं, पीटने से इन्हें क्या मिल जाता है। जरूर उसने शराब पी रखी होगी, खैर मुझे क्या, मेरी तो बस ये स्वेटर ही बिक जाए। स्वेटर ले लो, स्वेटर ले लो, रंग बिरंगी स्वेटर ले लो, स्वेटर ले लो, स्वेटर, अरे स्वेटर ले लो, देखो कितनी। नहीं नहीं, मेरे को नहीं लेना, मेरे पास तो बहुत है। स्वेटर ले लो स्वेटर। अरे मम्मा, मम्मा आप यहाँ पर हो? हाँ बेटा। अरे ये क्या, आप स्वेटर बेच रही हो? हाँ बेटा, क्या करूँ, मजबूरी में सब काम करना पड़ती है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है इसलिए मैं ये सब काम कर रही हूँ। मुझे भी बेचना है, लाओ इधर। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम मत बेचो, मैं बेच लूंगी ना अकेले। स्वेटर ले लो स्वेटर, स्वेटर ले लो, स्वेटर ले लो, स्वेटर ले लो, सुंदर सुंदर स्वेटर ले लो, स्वेटर ले लो, स्वेटर ले लो। अरे दीदी ये देखो मेरे पास कितने अच्छे अच्छे स्वेटर हैं, अभी तक हमारे ना एक ही स्वेटर भी नहीं बिका, आप एक स्वेटर ले लो तो हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। हाँ, मुझे स्वेटर तो चाहिए, लेकिन मैं ये वाली स्वेटर लूंगी। ये कितने की दी? ये स्वेटर है ना 400 रुपए की है। क्या 400 रुपए, बहुत ज्यादा महंगी नहीं हो गई ये? तुझे शर्म नहीं आती इतनी महंगा स्वेटर देते हुए? 100 रुपए दूंगी मैं इसके, ला दे दे मुझे स्वेटर। अरे स्वेटर ले लो स्वेटर। अरे अरे सुनिए एक मिनट, इधर आइए। अरे ये देखिए बहुत ही सस्ते में दे रही हूँ, स्वेटर ले लीजिए, ये 500 रुपए की है और ये 250 रुपए की है, ले लो एक स्वेटर, आपके बच्चों को पहनने के काम में आ जाएंगी। अरे ये माल मैं नहीं लेती फुटपाथ का, मैं तो मॉल जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, ठीक है, मैं ऐसा माल बिल्कुल नहीं ले रही। इतनी घटिया क्वालिटी, सड़ा हुआ माल, एकदम बकवास। स्वेटर ले लो स्वेटर ले लो। मम्मी मम्मी देखो, काम वाली बात जो हमारे घर में काम करती है, स्वेटर बेच रही है। अरे हाँ क्षमा, ये तो वही है हमारी काम वाली, ये इतना घटिया काम करती है, इसे तो मैं अभी बताती हूँ, इसको शर्म नहीं आती हमारे यहाँ काम करके, फिर भी इतना घटिया काम करती है। चलो क्षमा। क्यों री, तुझे शर्म नहीं आती, तू इतना घटिया काम कर रही है, स्वेटर बेच रही है फुटपाथ पर, हमारे यहाँ काम करती है, तुझे शर्म नहीं आती है काम करने में? अरे मैम साहब, हमें पैसों की बहुत जरूरत है इसीलिए हमें ये सब काम करने पड़ रहे हैं। तुम लोगों का तो यही है, पैसा कमाने का बस बहाना चाहिए तुम्हें, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे घर में काम करते हुए, फिर भी तुम इतना घटिया काम करती हो? तुम्हें पता नहीं सोसाइटी में लोग मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पता चलेगा कि मेरी नौकरानी सड़क पर कपड़े बेचती फिरती है तो मेरा क्या होगा? हा? तुमको शर्म नहीं आती ये काम करती हो, इतना घटिया काम करती हो? अरे मैम साहब ये क्या, आप बिना कुछ सोचे समझे हमें क्या क्या बोलने लग रही हो, और ऐसा हमने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है जो आप हमें इतना सुना रही हो। अरे ये क्या, तुम यहाँ पर स्वेटर बेच रही हो? हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ रोड पर स्वेटर बेच रहे हो? हाँ तुम दोनों ने सारी मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ अरे 2 मिनट आप हमारी बात तो सुनिए, तुम्हें पता नहीं सोसाइटी में मेरी कितनी इज्जत है, और तुम ये घटिया काम कर रही हो स्वेटर बेच के सड़क पर। हाँ अरे आप बिना कुछ सोचे समझे हमें इतना डांटने लग रहा है, एक बार हमारी बात तो सुन लो। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं सुनना मुझे, दिखा दी ना तुमने तुम्हारी औकात, पूरी मिट्टी में मिला दी तुमने मेरी इज्जत, क्या कहेंगे सोसाइटी के लोग? हाँ मैं लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, ठीक है ना, क्या कहेंगे सोसाइटी के लोग? अरे आप बिना कुछ सोचे समय इतना हमें डांटने लग रहे हैं, एक बार हमारी बात तो सुनिए। क्या बात सुनना है, अब क्या रह गया है? मैं आपको ना सारी सच्चाई बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या है। क्या बताओगी?
बताती हूँ। कोई हमारी मदद करो। निहारूं तेरी आरती उतारूं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम्हें क्या परेशानी है? हमें पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे मेरी बहन को ऑपरेशन कराना है। डॉक्टर ने कहा है हमें 30,000 रुपए की जरूरत है। मुझे इन बच्चियों का किसी न किसी तरीके से इलाज करवाना ही होगा। कहीं से भी मैं 30,000 रुपए लेकर आऊंगी। मैं इन बच्चों को इस तरह रोते बिलखते हुए नहीं देख सकती। कहीं से भी ये सारे रुपए की व्यवस्था मुझे करनी होगी, चाहे मैं कुछ भी काम करूँ। ऐसी बात है? अच्छा तो ऐसी बात है, पहले बताना चाहिए था ना। मैं अभी आता हूँ पैसों का बंदोबस्त करके, ठीक है ना? अरे तुम किससे पूछ के मेरे कैबिन में अंदर आ गए? अरे बॉस मेरे को काम था इसलिए आया हूँ मैं। तुम्हें पता नहीं मेरे कैबिन में कोई बिना पूछे अंदर नहीं आता। अरे बॉस मुझे कुछ एडवांस चाहिए था, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे एडवांस? कोई एडवांस एडवांस नहीं। तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे जैसे हजारों लोग हमारे जूते साफ करते हैं काम मांगने के लिए। निकलो यहाँ से वरना सिक्योरिटी को बुलाऊं ये तुम्हें भगाने के लिए। ये लोग भी ना कहाँ कहाँ से दिमाग खराब कर देते हैं। बिल्कुल अच्छा वाला काम कर रहा था मैं। अरे आप आ गए, हुई क्या पैसों की व्यवस्था? अरे पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई, सेठ जी ने मना कर दिया। अब हम कहाँ से लाएंगे पैसे और कैसे उस बच्ची का इलाज करवाएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगी पैसों की व्यवस्था? अरे सोनम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जो तुम्हारा मजाक उड़ाया। सोनम मुझे माफ कर दो जो मैंने इतना बिना सोचे समझा तुमसे गलत कहा, पर अब कभी ऐसा नहीं कहूंगी, मुझे माफ कर दो। अरे मैम साहब कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ कर दिया है। मैम साहब तुम्हें 30,000 रुपए की जरूरत है ना, मैं दूंगी तुम्हें 30,000 रुपए, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। सच में? सच में मैम साहब, सच में आप हमारी मदद करेंगी? अच्छा हाँ सोनम मैं तुम्हारी मदद करूंगी, एक बार तुम मुझसे बोल कर तो देखती, मैं जितने चाहो पैसे देती तुमको। मैम साहब आप भगवान हो, आपने हमारी गरीबों की मदद की। मैम साहब हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकते, हम कैसे भी करके आपका सारा पैसा चुका देंगे। अरे नहीं नहीं, हाँ। ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। शुक्रिया मैम साहब आपका।